अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास इस बुक इन प्रीवियस लेक्चर आई हैड एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ फॉसिल फ्यूल नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एटॉमिक पावर नाउ स्टार्ट द रीडिंग एंड योर पेज नंबर इज़ फोर्टी नाइन एटॉमिक पावर एटॉमिक कहते हैं जहरी पावर ताकत को अनदर काइंड ऑफ पावर इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर यानी एक और ताकत की या पावर की एक और किस्म न्यूक्लियर है और एटॉमिक पावर है न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर एक्सपेंसिव यानी जो न्यूक्लियर पावर होती हैं उसके जो स्टेशन होते हैं आर एक्सपेंसिव यानी महंगे होते हैं टू बिल्ड तमीर करना एंड ओनली अ फ्यू कंट्रीज़ और कुछ ही कंट्रीज़ ने या ममालिक ने इन दर्ल्ड दुनिया में हैव डिवेल्प दिस पावर इस पावर को या इस ताकत को जो है तैयार किया है यानी एडमी बिजली को घर जो है ना एडमी बिजली घर को तामीर करना एक एक्सपेंसिव या महंगा है इसलिए दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस पावर को या ताकत को तैयार किया है या डिवेल्प किया है ट्यू टू न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन पाकिस्तान पाकिस्तान में दो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं कराची कराची में एंड इन चश्मा इन द नॉर्थ और शुमाल में चश्मा में मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अदर फॉर्म्स ऑफ पावर पावर कैन आल्सो भी जनरेट यानी पावर यानी ताकत को हम जनरेट यानी पैदा कर सकते हैं यूजिंग इस्तेमाल करके इनर्जी एनर्जी को फ्रॉम द सन सूरत से यानी सोलर पावर से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड है सोलर पावर ये uh, जो प्लेट्स होती हैं सूरज से uh, जो है वो अनर्जी लेती हैं और इसके अनर्जी uh, जो सूरज से ली जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बिकॉज वो सूरज की अनर्जी से बिजली तैयार की जाती है एंड फ्रॉम द विंड विंड कहते हैं हवा के जरिए जो बिजली तैयार की जाती है थ्रू विंड माइल्स आप अपनी बुक में ये चेक कर सकते हैं विंड माइल्स हैं ये टर्बाइंस हैं जब ये चलते हैं हवा की मदद से जब ये मूव करते हैं तो इनके चलने से बिजली पैदा होती है तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बायोगैस बायोगैस कहते हैं कि जो हम एनिमल्स uh, के जो डंग होते हैं ना उनके थ्रू जो हम बिजली बनाते हैं उनको बायोगैस कहते हैं फ्रॉम काओ डंग्स यानी आप एनिमल्स या काओ के जो um, डंग कहते हैं गोबर को तो इनकी हेल्प से जो आप बिजली बनाते हैं उसको आप बायोगैस कहते हैं एंड एथोनल फ्राम शुगर कैन एंड मेज शुगर कैन कहते हैं गन्ने को एंड मेज़ कहते हैं मके को कैन आल्सो भी यूज टू प्रोड्यूस पावर यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं इस्तेमाल करके पैदा कर सकते हैं पावर ताकत या बिजली नाओ आई विल एक्सप्लन द क्वेश्चन नंबर ऑफ फोर्थ विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक नाव एक्सप्लन द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज़ हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप कैसे डिस्क्राइब uh, कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं एक इंडस्ट्रियल कंट्री को आंसर इज़ एन इंडस्ट्रियल कंट्री इज़ वन यानी जो एक संती इंडस्ट्री कहते हैं संती को ठीक है uh, एक संती मुल्क वो मुल्क होता है विच हैव मूवड फ्राम एन एग्रीकल्चर जो कि एक जरिए मुल्क से तब्दील होकर या मूवड कहते हैं चेंज होकर या तब्दील होकर या बदल कर टू बींग एन इंडस्ट्रियल वन जो एक संती मुल्क बन बन जाए यानी इंडस्ट्रियल एक संती मुल्क ऐसा मुल्क होता है जो एक जरिए मुल्क से एक सं मुल्क बन जाए मैं भी इसे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री आंसर है एन इंडस्ट्रियल कंट्री इज वन विच हैज़ मूव फ्राम एन एग्रीकल्चर टू बीग एन इंडस्ट्रियल वन नाउ यू शुड राइट इन दिस कॉपी योर कॉपी एंड ऑल्सो लर्न इट्स ए नफर टू डे